पग प्यारे जंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे जंगल 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 CS exam December 2017. मुझे मालूम है कि ये एग्जाम्स आपके पास आते जा रहे हैं अब तो कुछ दिन रह गए, कुछ घंटे रह गए, कुछ मिनट रह गए. और मुझे ये भी मालूम है कि आजकल आप अपनी पढ़ाई में लगे होंगे, आपने बड़ी सारी स्ट्रेटेजीज बनाई होंगी, फिर टूट गई होंगी, फिर नई स्ट्रेटेजीज, फिर टूट गई होगी. ये सभी के साथ होता, आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है. लेकिन इन सभी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आज के लेक्चर में बताने जा रहा हूं, स्पेशली फॉर सीएस एग्जामिनेशन December 2017 स्टूडेंट्स, कि ये जो आपका बिलीफ सिस्टम है, आपका जो मन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके 25th फरवरी 2018 के रिजल्ट के ऊपर. आजकल आप पढ़ाई कर रहे हैं, 15, 20, 22 दिन रह गए. एक महाभारत 18 दिन में हुई थी और एक महाभारत में क्या क्या हो गया था आप सबको मालूम है बेटे. महाभारत 18 दिन में हुई थी, 18 डेज, और अभी भी आपके पास 18 दिन है. आप चाहो तो एक महाभारत रच सकते हो. लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे कई बार मैसेज आता है कि आप सर ये बताइए मोटिवेट कैसे हो, हमारी हमारी बैटरी चार्ज कैसे रहे, सेल्फ मोटिवेशन कैसे मिले. तो सेल्फ मोटिवेशन को लेकर ही मैंने आज का लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड किया. आपको मैं एक चीज बता दूं कि मैं कुछ देर के लिए आपको बोल सकता हूं, आपके पेरेंट्स कुछ समय के लिए बोल सकते हैं, लेकिन वो सभी इतना इंपॉर्टेंट रोल या मैं भी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे. आपकी सक्सेस में, आपके पेपर्स के पास या फेल होने में आपका बिलीफ सिस्टम, आपके मन की बातें, आपके मन की धारणा कि आप सोचते क्या है, आप क्या मानते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एक बच्चे ने कहा सर ये कैसे, आप ये बताइए कि हमारे मन की बात. बिल्कुल बताऊंगा बेटे. ये जो मन है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जिसको हम बिलीफ सिस्टम बोलते हैं, ये आपके अंदर चलता रहता है. और आपने मन से सोच लिया कि मैं इस बार पास नहीं हुआ क्योंकि मेरा सिलेबस नहीं हुआ, यकीन मानिए भगवान कहेगा तथास्तु, तू पास नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद बिलीव कर लिया है, आपने खुद मान लिया है कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने ये नहीं किया, मैं पेपर मुश्किल आएगा, भगवान कहता तथास्तु मुश्किल आएगा. तो आपके सक्सेस या आपके फेलियर में आपके अंदर का बिलीफ सिस्टम बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बेटे जब मैंने सीए के पेपर्स दिए, सीएस के दिए, सीएफए के दिए, मैं तो पेपर्स देते रहता हूं, जब सीए में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था तो मेरे बिलीफ सिस्टम में था, मैंने दो ग्रुप दिए एक साथ, मेरे दोस्त ने भी दो ग्रुप दिए, उसका नाम था विनोद, हम साथ साथ पढ़ते थे. उसके मन में था कि उसके दोनों ग्रुप हो जाएंगे, पेपर दोनों के अच्छे हुए थे, मेरे भी अच्छे हुए थे, उसके भी अच्छे हुए थे. लेकिन मेरे मन में पता नहीं कहां से एक बिलीफ सिस्टम था कि मेरे दोनों नहीं होंगे एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे एक ग्रुप ही होगा. यकीन मानिए मेरा एक ही ग्रुप हुआ, जबकि मेरे पेपर और उसके पेपर एक जैसे थे. उस समय ये साइंस समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आज के समझ आता है कि बिलीफ सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो आप क्या मन से मानते हैं, ये जो माइंड है ना, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त है. आप मुझे बताइए, अगर बिलीफ सिस्टम ना होता, अगर बिलीफ सिस्टम इस दुनिया में ना होता, तो आपने कभी सुना है, आपने कभी सुना है कि एक छोटे से हाथी को, जब हाथी का जो बच्चा होता है वो बड़ा शैतान होता है, उसको 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 महावत क्या करता है, उसके पांव को चेन से, लोहे की चेन से पेड़ के साथ बांध देता है, और वो बच्चा उसको दोबारा बार बार खींचता है खींचता
निकल जाते हैं लेकिन चेन नहीं खुलती। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और महावत उसी हाथी को एक 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 छोटी सी रस्सी के साथ और एक बल्ली के साथ बांध देता है, पेड़ के साथ भी नहीं और छोटी सी रस्सी के साथ, लेकिन वो जो बड़ा हो गया उसके माइंड में बिलीफ सिस्टम था कि ये रस्सी खुलेगी नहीं, इसलिए वो मेहनत नहीं करता, जबकि वो चाहे तो एक झटके से बल्ली और रस्सी सब टूट जाए। तो ये क्या है? इट इज नथिंग बट बिलीफ सिस्टम। आपने जो मान लिया है वही होगा। तो आपका बिलीफ सिस्टम आपका सेल्फ मोटिवेशन है। आप मुझे बताइए कि ये जो टेररिस्ट हैं, छोटे छोटे बच्चे आजकल स्टेन गनों से कश्मीर में हम देख रहे हैं, पाकिस्तान से लोग आते हैं टेररिस्ट मारते हैं, ये क्या है? आप किसी के माइंड को इतना चेंज कर दें कि उसको पता है कि मैं कुछ देर के बाद मैं खुद ही मर जाऊंगा? आप और मैं नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मन में, उनके बिलीफ सिस्टम में ये डाल दिया गया है कि अगर आप ये करेंगे तभी अल्लाह मियां खुश होंगे या जो भी लॉर्ड है उनका वो खुश होगा। इसका मतलब आपके मन का जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो मन है, ये बड़ा ही शक्तिशाली है। आपको मालूम है हमारे इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में मैं अभी आपको इमेजेस दिखाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ईस्टर्न इंडिया में ये देखिए कुछ लेडीज फीमेल्स जलते हुए कोयलों के ऊपर, बर्निंग फायर के ऊपर चलती हैं। हम और आप सोचते हैं कि ये टॉर्चर हो रहा है, लेकिन ये कहती है नहीं, इससे मेरी दुर्गा माता खुश होगी। इट इज देयर बिलीफ सिस्टम। और ऐसा होता है। थाईलैंड की महिलाएं को देखें तो मैं आपको बता दूं कि वो एक बैंबू से अपनी नाक और कान में, कान को पियर्स करती है एक बैंबू की उससे। इसका मतलब आप और मैं नहीं कर सकते, थाईलैंड की वुमेन्स, थाईलैंड की फीमेल्स कर रही है, एक बैंबू से अपनी पूरी बॉडी में पियर्सिंग करना। जरा सी पिल लग जाती है तो हम घबरा जाते हैं। और ये देखिए आपके सामने, क्योंकि ये मानती है कि अगर ये ऐसा करेंगी तो इनका जो लॉर्ड है वो खुश होगा और ये प्यूरिफाई हो जाएंगी। इट इज देयर बिलीफ सिस्टम। एक बच्चा कहता, सर कहना क्या चाह रहे हैं? मैं बेटा यही कहना चाह रहा हूं कि आपने आने वाले दिनों में जो बिलीव कर लिया कि मैं नहीं करूंगा या नहीं हो सकता या ये डिफिकल्ट है या होगा, मैं करूंगा, मैं 25 फरवरी 2018 को पास होऊंगा, आपका ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को ध्यान रखना है आने वाले दिनों में। बेटे नेल्सन मंडेला, सुना होगा नाम आपने, नेल्सन मंडेला 34 साल जेल में रहे। मैं अभी इमेज दिखाऊंगा। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, अब्राहम लिंकन, इन सभी को बिलीफ सिस्टम था कि बदलेगा, सब बदल जाएगा, सब ठीक होगा, और हुआ। बेटा ये जो माइंड है ना, आपको याद तो तोड़ देगा, इतना पावरफुल है जो हम समझ नहीं पा रहे। मैंने जब माइंड ट्रेनिंग ली तो मुझे समझ आया कि आज तक जो भी कुछ हुआ ये सब मैंने पहले से ही सोचा हुआ था और कायनात उसको करती जा रही थी, जैसे मैं आपके सामने एक इमेज और लेके आ रहा हूं, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, आपने सारी इमेजेस देखी हुई है। अब मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत लेकर आने वाला हूं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक यूपी की लड़की पूर्णिमा सिन्हा, जिसको कुछ शैतानों ने चेन के खींचने के चक्कर में उसको रेलवे के ट्रैक में गिर दिया। पूरी रात वो तड़पती रही और उन ट्रेन्स के आसपास, उसके टांगों के ऊपर ट्रेन्स चलती रही उस जंगल में। रात भर 45 ट्रेन्स आ रही हैं जा रही हैं और चूहे काट रहे हैं जंगल में, चींटियां उसकी स्किन को काट रही हैं। और सुबह जब दिल्ली के हॉस्पिटल में उसको लेके आया गया और जब वो ठीक हुई और उसको पता चला कि उसके मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए, उसकी टांगें ठीक नहीं है, उसको आर्टिफिशियल टांगों के साथ चलना पड़ेगा, तो उसके मन में एक बात थी कि अगर मुझे भगवान ने अभी भी जिंदा रखा है तो एक कारण होगा। और उसी दिन उसने ये सोच लिया कि मैं इस दुनिया के सबसे बड़े माउंट एवरेस्ट में जाऊंगी और बेचेंद्रपाल, मैं भी आपको फोटो दिखा रहा हूं, बेचेंद्रपाल की, वहां पर गई और
वहां से ट्रेनिंग ली और चल पड़ी कहा एवरेस्ट की चढ़ाई और सेवन माउंटेन्स को पार कर लिया। सोचिए आप और हम नहीं कर पाएंगे। आर्टिफिशियल लेग्स, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, लेकिन एक बिलीफ था कि मैं ये कर सकती हूं और पद्मश्री अवार्ड मिला उस लड़की को। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप नेट पे जाकर देख सकते हैं कि मैं ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। यही है पूर्णिमा, यही है। आपका माइंड या तो आपको ब्रेक कर सकता है या आपको मेक कर सकता है। योर माइंड कैन ईदर ब्रेक यू फॉर दिसंबर 2017 और कैन मेक यू फॉर दिसंबर 2017। योर माइंड कैन हैव एंडलेस होप्स और होपलेस एंड। वर्ड्स पे ध्यान देना। योर माइंड कैन मेक इट और योर माइंड कैन ब्रेक इट। आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपका बिलीफ सिस्टम वो होना चाहिए। मैं भूपेश आनंद आज के वीडियो के थ्रू आपके मन में एक मोटिवेशन लाना चाह रहा हूं कि जो किया आपने ठीक किया है, अब आप उसको रिवाइज कीजिए। ईमानदारी से, विश्वास से रिवाइज कीजिए और ऐसा मन में विश्वास हो कि आपका ग्रुप क्लियर होगा, आपका पेपर इस बार अच्छा होगा और आप 25 फरवरी 2018 को पास हो जाएंगे। ये सभी बातें आपको माननी है, ये बिलीव करना है, क्योंकि जब आप बिलीव करेंगे तो कायनात वो करना शुरू कर देगी। भरे पड़े एग्जांपल्स दोस्तों, बिल्कुल समय वेस्ट मत करना। जितना भी समय रह गया है मन लगाकर पढ़ाई करना, मन लगाकर काम करना, सच्चे मन से करना, क्योंकि कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन जो है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है आजकल डॉक्टर्स प्रिबिनियो इफेक्ट लेकर आ रहे हैं, एक अपने पेशेंट को दवाई देते हैं, वो कहते हैं कि ये मैंने अमेरिका से मंगवाई है, जबकि मंगाई नहीं होती, और उसको पेशेंट को कहते हैं तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। और वो पेशेंट उस बिलीफ से कि मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा क्योंकि अमेरिका की दवाई है, और वो 2 दिन में ठीक भी हो जाता है। क्या लगता है उसकी दवाई ने ठीक कर दिया कि या उसके बिलीफ सिस्टम ने उसको ठीक किया? बेटा ये बिलीफ सिस्टम है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं आज आपको यही बात कहने जा रहा हूं कि आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मन लगाकर आने वाले दिनों में पढ़ाई करनी है और ऐसे बिलीफ सिस्टम के साथ पढ़ाई करनी है कि आप ये कर सकते हैं, आपका ग्रुप होगा, ये बात आपको मन में माननी है। क्योंकि इस दुनिया में सेल्फ बिलीफ, सेल्फ मोटिवेशन आपके बिलीफ सिस्टम से ही आने वाली है। और इस दुनिया में स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शिव भी आ जाए तब भी कुछ होने वाला नहीं है, अगर आपने मान लिया कि आपका ग्रुप नहीं होगा। और अगर आपने ठान लिया कि होगा, ये टाइम ऑप्टिमम है, इतना टाइम सफिशिएंट है, आप कर लेंगे, तो इस दुनिया में तीनों देव भी आ जाए, कोई भी लॉर्ड आ जाए, आपका ग्रुप होगा, क्योंकि आपने बिलीव कर लिया। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को एक बात बताना चाह रहा था, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी।